तो दोस्तों फाइनली आज हम लोग करने वाला रियलमी का जो एबर्ट्स एयर थ्री नयो आता है एंड वन प्लस नॉर्ड ऐसी आता है दोस्तों, उसका हम लोग कर रहे हैं कंपेयर। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए आज के वीडियो में और बताते हैं आपको कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए अगर आप कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों फाइनली कर दिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों शेयर करना ना भूले। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लोग बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो वही रियलमी के बड्स एयर थ्री का जो प्राइस आपका आता है दोस्तों 1999 में आता है और इसके जो डिजाइन है लोगों को काफी अच्छा है। वही पे लोग बात करें तो वन प्लस नॉर्ड एसी के बारे में दोस्तों, तो ये काफी पॉपुलर है दोस्तों और मैं बता सकती जो प्राइस है कंपनी ने रखी है 2299 का। बट मैं आपको बताना चाहूंगा रियलमी बड्स एयर थ्री जो न्यू है अभी 300 रुपया होगा, 200 रुपया और सस्ता हुआ है दोस्तों, जो अभी मिल जाएगा 1799 में, जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो ये प्राइस बता दिया 1999 ही है। तो दोस्तों चलिए बात करें रियलमी की तरफ से। सबसे पहले दोस्तों तो रियलमी का जो मिलता है दो कलर वेरियंट में मिलता है, क्योंकि इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को मिला गैलेक्सी वाइट दोस्तों, जो देखने में काफी प्रीमियम लुक देता प्रोवाइड करता है, ऊपर का जो है सिल्वर बॉडी में देता है और एयर में काफी कम्फर्टेबल आता है। वही पे इनके एक वेरियंट और है जो क्या था ब्लू में और ग्लोसी ब्लू है दोस्तों, तो देखने में काफी आपको प्रीमियम लुक देने वाला है। वही पे मतलब कलर की बात करें तो वन प्लस का भी भाई धमाल है वन प्लस का, तो इसमें मेस्टी आपको ग्रे एक मिल जाता है एक मून लाइट व्हाइट मिल जाता है, जो कि कलर वाइट में दोस्तों काफी प्रीमियम लुक देता है। दोनों का कंपेरिजन कहीं भी नहीं है, कलर लुक में तो दोनों नंबर वन है दोस्तों, दोनों का 10 of 10 ही दिया जाएगा दोस्तों। वहीं पे हम लोग रियलमी के बॉक्स के बारे में जो बात करते हैं दोस्तों, तो वो कैप्सूल साइज में इन्होंने डिजाइन किया जो देखने में काफी अच्छा आपको दिखने वाला है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं वन प्लस के बारे में, तो उनका जो नॉर्मली बॉक्स आता है सेम उसी तरह, तो इसमें एक प्लस पॉइंट आपको रियलमी की लग जाता है। बट बॉक्स के कंपेरिजन में दोस्तों तो उसका भी काफी अच्छा दिखता है वन प्लस का भी दोस्तों। वहीं पे हम लोग बात करते हैं बेस ड्राइव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो रियलमी को 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिल जाता है जो कि आपको साउंड काफी अच्छी क्वालिटी देने वाले, बेस काफी अच्छा देने वाले। बट दोस्तों क्योंकि उसके भी मात देता है वन प्लस में आपको मिलता है 13.4 mm का डायनेमिक ड्राइवर मिलता है जो कि आपको काफी बेस अच्छा देता है और मैंने उसको रियलाइज भी किया, आप जाके वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी अच्छा है दोस्तों। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था दोस्तों, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने यूज भी किया था, तो मैं बता नहीं सकता कि जो बेस क्वालिटी ना गजब की, उसका मुकाबला मैंने बोलता कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है दोस्तों। वहीं पे रियलमी एक प्लस पॉइंट में चले जाता है कि रियलमी ने लगाया डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, जो कि आपको साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा बनाता है दोस्तों। बट दोस्तों वहीं पे आप वन प्लस में देखते हैं तो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि एक माइनस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 2299 में परचेस भी डॉल्बी एटमॉस में सपोर्ट आगे तो मजा नहीं आता दोस्तों। फाइनली दोनों प्रोडक्ट में हम लोग को देखने मिल जाता है AIA का सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, जो कि कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा बनाएगा दोस्तों, नॉइस की कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली, दोनों प्रोडक्ट में काफी अच्छा है दोस्तों। दोस्तों वहीं पे हम बात करते हैं रियलमी के बारे में। जी हां दोस्तों, रियलमी 10 मिनट का चार्ज आप करते हैं, उसमें डार्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, टाइप सी है दोस्तों, और तो 120 मिनट का आपको प्लेबैक टाइम दे देता है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों टोटल प्लेबैक जो टाइम आपको देता है 30 आवर का देता है, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों एक बर्ड्स के हिसाब से। सिंगल बर्ड्स अगर यूज करते हैं दोस्तों तो वो 7 आवर का प्लेबैक देगा एंड दोस्तों वही कॉलिंग आप करते तो 18 आवर का प्लेबैक आपको देता है। हम लोग बात करते हैं वन प्लस बर्ड्स के बारे में। जो दोस्तों तो बर्ड्स में आपको टाइप सी का पोर्ट प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। फुली चार्ज पे दोस्तों 4.5 आवर का प्लेबैक देता है एंड फोन कॉल का 3 आवर देता है एंड कॉम्बिनेशन प्लेबैक 20 आवर के देता है। और वहीं पे दोस्तों ये 10 मिनट अगर आप चार्ज करते तो 81 मिनट चलता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा लो हो गया दोस्तों कंपेयर बाय रियलमी दोस्तों। वहीं पे लोग बात करते हैं पर एयरबड्स के बारे में, तो 27 mAh का एक बैटरी लगा है पर ईयर में एंड दोस्तों चार्जिंग केस में 300 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है। वहीं पे बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो रियलमी ने लगाया है 88 mAh का लो लेटेंसी। वहीं पे बात करते वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस ने जो लगाया 94 mAh का लो लेटेंसी, जो कि वन प्लस में एक प्लस पॉइंट हो गया। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में जो दोस्तों, तो दोनों में आपको मिल जाए 5.2 का ब्लूटूथ सपोर्ट, जो कि आपको बेहतर है, तो दोनों इसमें इक्वल हो गया दोस्तों। वहीं पे हम लोग बात करते हैं वाटर प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों, तो वाटर प्रोटेक्शन का जो सपोर्ट है रियलमी बेहतर है, रियलमी में आपको लगा है IPX5 का सपोर्ट है दोस्तों, जो कि बेटर है। वहीं पे वन प्लस में हम लोग बात करते हैं तो IPX4 ही दिया है दोस्तों, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइस के हिसाब से काफी लो दिया है दोस्तों। वहीं पे हम लोग बात करते हैं ऐप्स के बारे में, तो रियलमी के ऐप्स से इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं बैलेंस वाइज बेस सारी चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पे हम लोग बात करते हैं वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस ने भी अपना एक ऐप है वन प्लस का कंपेटिटिव विद
है मेलेडी ऐप है दोस्तों, तो वहां से भी आप कंट्रोल इसको इजिली कर सकते हैं, जो कि साउंड ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फाइनल दोस्तों हम लोग आते हैं फाइनल डिसीजन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फाइनल डिसीजन हम लोग का ये रहता है कि वन प्लस की तरह आप जाते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको एक फायदा मिलता है दोस्तों, जो कि बेस ड्राइव का मिलता है। 13.4 mm का बेस ड्राइव लगाया है, जो कि काफी अच्छा आपको म्यूजिक प्रोवाइड करने वाला है, साउंड एक्सपीरियंस का। आप बेस लवर है दोस्तों, तो आप इसको इजिली ले सकते हैं। बट दोस्तों बेस ही हर चीज नहीं होती है। हम लोग बात करते वहीं पे रियलमी के बारे में दोस्तों, तो रियलमी में आपको बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट ज्यादा मिलता है दोस्तों। वहीं पे दोस्तों डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, जो कि साउंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा बनाता है दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस आपको पता होगा। वहीं पे लोग बात करते हैं चार्जिंग डिजाइन हर चीज के बारे में, रियलमी एक बेहतर ऐप जाता है। और प्राइस के बारे में लोग बात करते हैं, तो अभी के जो मैंने प्राइस यहाँ पे देख रहा दोस्तों, 500 का आपको बजट में आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे बेहतर है कि 500 आपको सेव भी हो रहा है दोस्तों, और एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलता है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हर फ्यूचर आपको दिया पड़ा है। हाँ, लो लेटेंसी बाल में बात करते हैं तो वन प्लस थोड़ा सा आगे चल जाता है, क्योंकि 94 ms का उसमें लगा है, यहाँ पे 88 ms है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बट ज़्यादा बेहतर आपको रियलमी की डिवाइस मिलेगी, बैटरी बैकअप से लेकर हर चीज़ में जाते दिया गया दोस्तों। तो मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा दोस्तों, तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं ईजिली। एंड दोस्तों अपना अपनी नीचे शेयर जरूर कीजिए कमेंट में दोस्तों, ड्रॉप अप कीजिए कमेंट, आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा है दोस्तों, और किस पे और कंपेयर वीडियो बनाना चाहिए ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे नया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज एक नया वीडियो लाते रहेंगे एंड आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।